नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो आपके सामने हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नोत्तर को लेकर के बनाया गया वीडियो है। दोस्तों, कभी कभार मुझे हंसी आ जाती है कि मैं वीडियो बनाता हूं, अपलोड करता हूं, मेहनत भी करता हूं, लेकिन उसको देखने वाले मुझे कितने मिलते हैं। ये बात जब मैं देखता हूँ तो मैं हैरान नहीं बल्कि मुझे हंसी आ जाती है। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसको मुझे दो आज तक के दो दर्शक मात्र देखने वाले मिले हैं। उन्होंने भी पता नहीं पूरा देखा या नहीं देखा, ये तो बात अलग है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो देख रहे हैं उनका तो बहुत हृदय से अभिनंदन। हो सकता है कि मेरे वीडियो आप तक पहुँच ही नहीं रहे हूँ, ज़रूरत हो लेकिन पहुँच नहीं रहे हूँ, लेकिन शेयर वाली बात तो मैं करूँगा ही नहीं कि आप शेयर करोगे। आशा बहुत कम रख रहा हूँ, दो साल से देख रहा हूँ इस मामले में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर तैयार करते हैं और देखते हैं, देखिए आज का प्रश्नोत्तर आपको क्या सहायता प्रदान कर सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? ये अपना पहला प्रश्न है। काका हाथरसी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार और इनका मूल नाम था प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी का मूल नाम था। हिंदी साहित्य में नेपाली के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध हैं? दोस्तों ये प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये गोपाल शरण सिंह हैं, इनको नेपाली के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य में नेपाली के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल शरण सिंह हैं, वो प्रसिद्ध हैं नेपाली के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, लाला भगवान दीन का मूल नाम क्या था? लाला भगवान दीन का नाम भगवान दीन वर्मा था। भगवान दीन का नाम भगवान दीन वर्मा था। अगला है, बेधड़क बनारसी का मूल नाम क्या था? बेधड़क बनारसी का मूल नाम काशीनाथ उपाध्याय था। बेधड़क बनारसी का मूल नाम काशीनाथ उपाध्याय था। अगला प्रश्न है, बेढब बनारसी का मूल नाम क्या था? तो कृष्ण प्रसाद गोड़ बेढब बनारसी का मूल नाम था। बेढब बनारसी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे और इनका मूल नाम कृष्ण प्रसाद गौड़ था। बंग महिला का मूल नाम क्या था? बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष था बंग महिला का मूल नाम, जिनकी प्रसिद्ध कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, शिवानी का मूल नाम क्या था? गोरा पंत शिवानी का मूल नाम था। शिवानी का मूल नाम गोरा पंत था। प्रियवंदा का मूल नाम क्या था? प्रियवंदा का मूल नाम उषा सक्सेना था, जिनको उषा प्रियवंदा के नाम से जानते हैं। तो प्रियवंदा का मूल नाम उषा सक्सेना था। त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत का मूल नाम क्या था? श्रीराम वर्मा अमरकांत का मूल नाम था। तो अमरकांत का मूल नाम श्रीराम वर्मा था। कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कैलाश सक्सेना कमलेश्वर का मूल नाम था। कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश का मूल नाम था। मोहन राकेश का मूल नाम मदन मोहन गुगलानी। अगला है, धर्मवीर भारती का मूल नाम क्या था? धर्मवीर सक्सेना धर्मवीर भारती का मूल नाम था धर्मवीर सक्सेना। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन का नाम जो मूल नाम था वो बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ। वियोगी हरि का मूल नाम क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि का मूल नाम था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था?
धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था। कांति प्रिय द्विवेदी का मूल नाम क्या था? मुन्नन द्विवेदी। कांति प्रिय द्विवेदी का मूल नाम था मुन्नन द्विवेदी। अगला है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति साय था। रघुपति साय था फिराक गोरखपुरी का मूल नाम। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र था। शैलेश मटियानी का मूल नाम। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। गोसाई दत्त सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव। तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव रांगे राघव का मूल नाम था। आलवार किसके उपासक थे? आलवार विष्णु के उपासक थे। आलवार विष्णु के उपासक थे। नैनार किसके उपासक थे? नैनार शिव के उपासक थे। नैनार। राम रक्षा स्त्रोत की रचना किसने की? रामानंद ने राम रक्षा स्त्रोत की रचना की थी। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम था। अगला है, रामानंद के शिष्य थे तो रामानंद के 12 शिष्य थे। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। छंदों का अजायबगर भी कहा जाता है। छंदों का अजायबगर कहा जाता है रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबगर कहा जाता है। रामायण महानाटक के रचनाकार का नाम बताइए? प्राणचंद चौहान का ये नाटक है रामायण महानाटक। अगला है, भक्तमाल व अष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए? भक्तमाल रचना और अष्टयाम के रचयिता नाभादास की रचना है दोनों, भक्तमाल और अष्टयाम। हनुमान नाटक की रचना है विजय राम की रचना है दोस्तों, हनुमान नाटक विजय राम की रचना है। कवि प्रिया रसिक प्रिया रचना है, दोनों रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया। केशवदास की रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ही। भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप। ध्यान मंजरी रचना है तो ध्यान मंजरी रचना है वो अग्रदास की रचना का नाम है ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रामरासो रचना है रामरासो माधवदास चारण की रचना का नाम है रामरासो। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक रात में ग्रंथ की रचना की? रामचंद्रिका की रचना की थी एक ही रात में केशवदास ने। ऐसा माना जाता है कि छंदों का अजायब घर जो रामचंद्रिका रचना है उसकी रचना एक ही रात में की थी। सव सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास ने की थी सव सुखी संप्रदाय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो की ये 40 प्रश्न थे और आपको ये 40 प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ लेते हैं विराम, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो जो देखने वाले हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। पुनः